लेकिन बस आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। बस मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स इन XAML, जिसका आज लेक्चर नंबर 59 है। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एनवेलप टूल के अंदर, ठीक है। एनवेलप टूल क्या होता है, क्या काम करता है, तो अगर आप अपने टूल बार में आएंगे तो यहाँ पर आपको 13वें नंबर पर मिलेगा ड्रॉप शेडो टूल, ठीक है। तो ड्रॉप शेडो टूल के ड्रॉप डाउन सब मेन्यू के अंदर अगर आप पाँचवें नंबर पर देखेंगे तो आपको मिलेगा एनवेलप टूल। तो एनवेलप टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके मैं एनवेलप टूल को जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर नोट्स आ गए, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं जी कि इसको अब किसी भी तरह से अब इसके अंदर यानी कि चेंजिंग्स कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, ठीक है, अप में भी और डाउन में भी, ठीक है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, ठीक है। यानी कि आपको मुकम्मल कंट्रोल हैंडल्स मिल जाते हैं की मदद से आप इसके शेप अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप इसकी मेन्यू बार में देखें तो प्री सेट में आपके पास कुछ बनी बनाई शेप्स हैं, ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं ये बनाने में, ठीक है। तो ये देखिए आप इनको भी यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर आपने कोई शेप बनाई हुई है उसको आप ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी नाम लिख कर सेव कर देंगे तो वो शेप आपकी सेव हो जाएगी और यहाँ लास्ट में आपको नजर आएगी। नेक्स्ट टाइम आप किसी ऑब्जेक्ट को वही शेप इजीली दे सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स आ गया रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड, क्या आप इसको रेक्टेंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर इसको रेक्टेंगुलर ही यूज़ किया जाता है, अगर आप फ्री हैंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपके इस्तेमाल के ऊपर है। और अगर मैं वापस आ जाऊँ, ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करते ही हम लोग अगर इसको करते हैं तो यहाँ से आप इसके नोट को ऐड भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लिक करके ऐड नोट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से नोट ऐड हो गई, ठीक है। और अगर इसको आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और माउस की मदद से अगर आप इसको करना चाहते हो डबल क्लिक करके इसको लाया जा सकता है, ठीक है, और डबल क्लिक करके इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ गई हमारे पास कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू कर्व, कस्ट नोट वगैरह। तो ये सब के सब आप टेक्स्ट टूल के ऊपर यूज़ ईजिली कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट टूल करता हूँ, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और जी व्यूअर्स ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अब एनवेलप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास अब जी, तो मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट, अब किसी भी नोट पर मैं क्लिक करता हूँ तो नोट पर क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर ये देखिए ये लाइन आ गई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यानी कि अप करता हूँ, ठीक है, तो अप करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे यानी कि एक घाटी सी बनी हुई स्लाइड बनी हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं कन्वर्ट टू लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अब ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है, और इस तरह से नीचे यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं अगर इस तरफ भी क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद इसको कर देता हूँ, ये देखिए ये भी एकदम यानी कि बिल्कुल ये भी स्ट्रेट और यहाँ से भी स्ट्रेट, दोनों तरफ से स्ट्रेट हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आगे कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल कर्व हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से स्मूथ नोट को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए ये इसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसको स्मूथ करता हूँ तो ये बिल्कुल स्मूथली इसको सिलेक्ट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं जी कस्ट टूल, तो कस्ट टूल के जरिए क्या होगा जी कि आप इसको इजीली यानी कि किसी भी नोट के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो कंट्रोल सेट करके मैं नॉर्मल इसकी पोजिशन में इसको लेकर आता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए सेंटर में से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल नीचे रह रहा है। कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करूँ तो ये देखिए यहाँ से बारीक फिर मोटा और फिर यहाँ से बारीक हो गया, ठीक है। तो इसके साथ आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद लास्ट में वर्ड आ जाता है सिमेट्रिकल नोट। ठीक है, सिमेट्रिकल नोट को आप सिलेक्ट करके अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या होगा कि आप किसी भी तरफ इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसने जो आप जब इसके कंट्रोल हैंडल्स को इस्तेमाल करेंगे तो एक के साथ दूसरा ऑटोमेटिकली ही यानी कि इस्तेमाल होगा कि अगर आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होगा या कम होगा और वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसी तरह इसको कर सकते हैं। और अगर इसी के साथ मैं यहाँ पे वापस इसको कर्सर को सिलेक्ट कर लूँ तो इसके साथ आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी एक तरफ से इसकी चेंजिंग्स करें, ठीक है, यहाँ से आपने चेंजिंग करनी है इस तरह से, तो आप यहाँ से कर्सर टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से इक्वली हो तो आप यहाँ से सिमेट्रिकली को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से इक्वली दोनों की तरफ से चेंजिंग्स होंगे। ठीक है, तो उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस आने के लिए, अंडू करने के लिए। ये मैं वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस पर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो आपके पास पॉइंट आ रहा है अनकॉन्स्ट्रेंट मोड, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आपके मन मर्जी के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर नेक्स्ट पे आप स्ट्रेट लाइन मोड को अप्लाई करने वाले हैं तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही अपने किसी भी टूल को ऊपर लेकर जाएंगे तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, ना लेफ्ट ना राइट, लेफ्ट राइट की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेटली ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों की तरफ से करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये दोनों तरफ से आया और दोनों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेटली हुआ। ठीक है, और अगर आप अपने कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये दोनों नोट्स को सिर्फ एक ही जानब लेकर जाएगा। ठीक है, आप एक ही जानब करना चाहते हो तो यहाँ से आप बिल्कुल एक ही जानब कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके। ठीक है, तो उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिंगल आर्क मोड। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अप करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं जी आपके पास अब ये गोल आ रहा है। ठीक है, स्मूथ हो गया, गोल हो गया। और इसको अगर अगले वाले को डबल आर्क टूल को अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से ये सेंटर में से तो बिल्कुल स्मूथ रख रहा है, लेकिन ये देखिए लास्ट में ये क्या कर रहा है जी उसी को। और अगर इसी चीज़ को अगर आप कंट्रोल पकड़ के करेंगे तो ये दोनों तरफ से अप्लाई करेगा, और अगर सॉरी शिफ्ट पकड़ कर करेंगे तो दोनों तरफ से अप्लाई करेगा, और कंट्रोल पकड़ कर करेंगे तो दोनों चीज़ों को दोनों साइडों को एक ही जगह पर ये कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हॉरिजॉन्टल ओरिजिनल। अगर आप ओरिजिनल में लाना चाहते हैं, ओरिजिनल में काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ज़्यादातर यही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कीप लाइन्स आ गया। ठीक है, तो ये खाली सेलेक्ट करने के काम ही आता है जो लाइन वगैरह हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो एक और इफेक्ट है कि आप अपने टेक्स्ट को अपनी मन मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं जी। तो मैंने ये न्यू टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे मैं जिस एनवेलप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ जी टूल्स में, टेबल में, विंडो में आके आप डॉकर्स में आएंगे। डॉकर्स में आने के बाद यहाँ से आप इफेक्ट्स में आके एनवेलप, और इसकी शॉर्ट की अगर आप देखें तो कंट्रोल F7, इसकी शॉर्ट की अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स ओपन हो गया साइड पर। ठीक है, तो इस बॉक्स के जरिए आप अपने टेक्स्ट को यहाँ अपनी किसी के बाद यहाँ से आप ऐड प्रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड प्रीसेट के ऊपर यहाँ से कोई भी आप शेप जोन से भी क्रिएट करेंगे ये उसके मुताबिक, यानी कि अपने आप को जैसे कि मैं फ्लैग पे कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये देखिए इस तरह से ये कर्व हो गया। और अगर मैं इसकी शेप चेंज करना चाहता हूँ इस पर करता हूँ तो ये इस तरह से हो गया, और अगर मैं इस तरह से इसे करना चाहूँ तो ये इस तरह से क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अपनी मन मर्जी के मुताबिक भी एनवेलप कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके एनवेलप को सेलेक्ट करता हूँ तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बिल्कुल कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि अगर आप इसी तरह का ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट करना चाहते हो, इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो यहाँ आप कॉपी करेंगे और दूसरे के ऊपर जाके अप्लाई कर देंगे, और नेक्स्ट के ऊपर अगर आप करेंगे तो क्लियर एनवेलप हो जाएगा, यानी कि वो अपनी नॉर्मल हालत में जो आपने लास्ट मूवमेंट में की होगी वो उसमें वापस चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो उसके बाद आपके पास ये नोट्स आ गए। इसके साथ आप अपने यानी कि ऑब्जेक्ट को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से उसके तमाम नोट्स आपके खुद के कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व से। तो ये था व्यूअर्स एनवेलप टूल। तो मुझे उम्मीद है कि एनवेलप टूल आपको समझ आ चुका होगा। अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।